method of preparation of alcohols, nucleophilic substitution of haloalkanes. तो हेलोअल्केन्स के अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हो तो अल्कोहल बनते हैं। ये हमने पहले भी एक करा हुआ है पिछले चैप्टर में, देखो अगर आप CH3CH2Cl, मान लो ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है, अगर आप इसको एक्वस केएच के साथ ट्रीट करते हो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। और अगर आप इसको अल्कोहलिक केएच के साथ ट्रीट करते हो तो एलिमिनेशन होती है, क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ये हमने पहले भी करा हुआ। तो यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात आ गई, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोअल्केन उसमें एक तरीका होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्कोहल्स इन्वॉल्व्स एडिशन रिएक्शन नहीं, सब्स्टिट्यूशन, कौन सी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि एक Cl गया और OH आया, Cl- was a nucleophile and OH- is also a nucleophile। Dehydrohalogenation नहीं, Dehydrohalogenation से क्या बनेगा बताओ, Dehydrohalogenation क्या बनेगा, Alkene, Dehydrohalogenation elimination ही है ना, मतलब आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक हेलोजन हटा दिया, यही वाली बात कर रहा हूं ना मैं, Alkene बन जाए। तो ये तो नहीं है, रीअरेंजमेंट नहीं, रीअरेंजमेंट की बात थोड़ी है, रीअरेंजमेंट तो हो ही सकता है इसमें, जहां भी कार्बोकेटायन बनता है रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो टू आएगा आंसर। नेक्स्ट, मोनोक्लोरीनेशन ऑफ टॉलुइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaCl yields। तो टॉलुइन क्या होता है, ये टॉलुइन है, ठीक है। अच्छा, इसकी मोनोक्लोरीनेशन करनी है आपको, मोनोक्लोरीनेशन देखो, अब यहां पे आप मोनोक्लोरीनेशन इन सनलाइट, ये ध्यान रखना, जहां पे आपको सनलाइट मिल जाए ना ऐसे, और आपको हैलोजनेशन करनी हो तो हमेशा फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, बिकॉज सनलाइट क्या करेगा, Cl को Cl फ्री रेडिकल में तोड़ देगा, ऐसे करेगा सनलाइट, और Cl फ्री रेडिकल फिर यहाँ पे क्या करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन सकता है टॉलुइन में, यहाँ पे ना, इसी पोजीशन पे या कहीं और, CS2 फ्री रेडिकल यही है ना मोस्ट स्टेबल, तो क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है, तो ये बनेगा पहले, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये एक और Cl पे अटैक मारेगा, ऐसे करेगा ना, तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। तो मोनोक्लोरीनेशन यहीं पे होगी और कहीं नहीं हो सकती, बन गया बेंजाइल क्लोराइड। मोनोक्लोरीनेशन क्यों बोला, क्योंकि ये बेंजाइल क्लोराइड फिर से कर सकता है रिएक्ट, डाइक्लोरीनेशन भी हो सकती है, क्या छटके और सीएल आ सकता है, पर उसने बोल दिया कि मोनोक्लोरीनेशन ही करनी है, तो मोनोक्लोरीनेशन ही एक ही बार करो, क्लोरीनेशन दोबारा नहीं करो। इसके बाद क्या करना है, एक्वस NaOH के साथ आप उसका हाइड्रोलिसिस कर लो, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, सीएल हटके वो अच्छा जाएगा, क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर, बाकी भी जरा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्थोक्रिसोल का स्ट्रक्चर बताओ, CH3OH, ये है ऑर्थोक्रिसोल। मेटाक्रिसोल क्या है, मुझे OH पहले ड्रॉ करना चाहिए था क्योंकि फंक्शन ऐसे, चलो गलत नहीं है, जस्ट OH के फिर मेटा पे CH3, ये क्या हो गया, मेटाक्रिसोल। 2,4-dihydroxytoluene, ये क्या है, ये है, ठीक है ना, 1,2,3,4, 2,4-dihydroxytoluene, बेंजाइल अल्कोहल तो यही हो गया, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए।